खरगोन न्यायालय परिसर में शनिवार को रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जैन ने किया। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन की विशेषता यह रही कि इसमें युवाओं ने भी उत्साह से भाग लिया। कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवाओं ने भी दूसरों का जीवन बचाने के उद्देश्य से रक्त दिया। जिला सत्र न्यायाधीश जी सी मिश्रा ने बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि आपका रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए प्रत्येक योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अभिभाषक, पैरा लीगल स्टाफ आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अच्छा हो लहू देने में अपना नाम आ जाए, अच्छा हो लहू अपना वतन के काम आ जाए। तो आज मौका है कि आप इस देश के लिए लहू दे सकते हैं। सबसे ज्यादा आज अगर आभार है किसी का तो सीएमएचओ साहब का, जिनकी पूरी टीम आज पूरी। इसके रक्तदान के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, विशेष रूप से सचिव महोदय से, कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण का जो है आज पूरा सबका स्वास्थ्य जांच कराएं, क्योंकि बीच बीच में ऐसा रहता है कि आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज पैर भी नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत आज खत्म हो जाए। और नाजिर जी से आग्रह करूंगा कि सभी हमारे ऐसे जो वरिष्ठ कर्मचारी गण हैं या कोई बीमार रहते हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण आज कराएं। आज यहाँ उपस्थित होने के लिए सबका बहुत बहुत हम और हमारे साथी मिलकर 100 से ज्यादा जो है कि लोगों ने जो है डोनेशन की नियत की है, और लगभग हम लोगों ने 100 से ज्यादा जो है कि लड़कों ने अभी तक की एंट्री जो है करवा दी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा खून किसी गरीब मजलूम या किसी के साथ हादसा ना हो, मगर होता है तो हमारा खून उसके लिए काम में आए। इसके लिए हम इरफान भाई एनजीओ का भी और न्याय और जो न्याय के अंदर जो काम हो रहा है अदालत ने करा है, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों ने 100 से ज़्यादा का टारगेट हमने उन्हें रखा है, और लगभग हमारे 150 के करीब करीब हम सोच रहे हैं कि ये जाएंगे। अमजद खान। आज हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशन में ये रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आज बहुत मात्रा में लोग ये रक्तदान कर रहे हैं, जिनमें हमारे न्यायाधीश भी शामिल हैं, अधिवक्तागण शामिल हैं, कोर्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जनमानस के बीच से बहुत सारे लोग जो है निकल के आ रहे हैं और वो रक्तदान कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। अब 100 यूनिट से अधिक रक्तदान होने की संभावना है। पक्षकार भी सर बड़ी संख्या में इसमें आए। हाँ, पक्षकार भी आज यहाँ पर पधार रहे हैं और उनके द्वारा भी रक्तदान किया जा रहा है। सब बहुत ही प्रेरित हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारी जनसाहस संस्था पूरा आयोजन कर रही है, जनसाहस के जिला संयोजक इरफान भाई ये पूरा वो देख रहे हैं। ना केवल बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं उनका रक्तदान हो रहा, बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण भी वरिष्ठ अधिवक्तागण, कर्मचारीगण और पक्षकारों में से भी जो वरिष्ठ हैं या किसी तरह से उनको कोई बीमारी है तो उनका हम स्वास्थ्य परीक्षण आज यहाँ करवा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि सभी स्वस्थ हों और सभी चिराई हों। धन्यवाद। संदेश क्या देंगे इसके पीछे? हम जैसा सीएमएचओ साहब जो हमारे जिला एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा ये बताया गया कि खरगोन जिले में ब्लड की बहुत कमी है और रक्त से जो है हमारा जीवन बचता है, कोई विकल्प नहीं है रक्त का। बीच में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग घायल हुए हैं। ऐसी दशा में लोगों को रक्त चढ़ाए, तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त की कमी होने से ऐसे लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि ऐसे लोगों का जीवन बचाया जा सके, रक्त की कमी से किसी का जीवन ना जाए, हम चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।